नमस्कार, बजट इंडिया का मैं आपका स्वागत है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस इन पंचों की राय सुन लें। यहाँ पर स्टूडियो में मैं स्वागत करना चाहता हूँ समीर भाटी जी भी हमारे साथ हैं, आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अगर आप हेल्थ बजट की बात करें तो ये भी बढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा से कम नहीं हुआ है लेकिन बढ़ा भी नहीं है। और एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जब कोविड के बाद हम एक ऐसी स्थिति में जाएंगे कि ये बजट बढ़ेगा और इसके प्रति जो है जो फंड्स देने चाहिए वो और ज्यादा बढ़ेंगे। समीर भाटी जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे बजट में दो चीज का उल्लेख नहीं है, कई लोगों ने कहा, एक स्वास्थ्य का और दूसरा शिक्षा का, आप क्या कहेंगे एज ए हेल्थ एक्सपर्ट? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं स्पेसिफिकली तो पिछली बार भी जब हमने देखा था कोरोना के बाद लोगों की उम्मीदें रही है कि हेल्थ बजट में कुछ नया होगा, सरकार कुछ नया करेगी। पिछली बार हमने जैसे देखा था कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम शुरू हुआ था, स्पेशली जिस तरह से पैंडेमिक में सबसे ज्यादा हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई थी, और इस बार हमने जिस तरह से देखा है पैरामेडिकल स्टाफ हमारा स्किलिंग का, स्पेशली अगर हम नर्सिंग 157 नर्सिंग सेंटर खोलने की बात करें, जी बिल्कुल, नर्सिंग कॉलेजेस की जैसा हमने शॉर्टेज देखी थी पैंडेमिक के दौरान, तो अभी हमने मेडिकल कॉलेजेस तो खोले हैं, तो डॉक्टर एंड नर्सिंग का जो रेशियो है उसको ठीक करने के लिए नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिकली जो उसका पाठ्यक्रम है उसमें भी कुछ बदलाव आने के लिए, क्योंकि हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो वो एक इसके अंदर निश्चित तौर पे एडिशन है। और सबसे बड़ी जो बात इस बार के बजट के अंदर है, हमारी जो ICMR लैब्स हैं, ICMR का नाम हम पेंडेमिक के दौरान ही सुनना शुरू किया है लोगों ने, ICMR की हमारे पास फुली इक्विप्ड लैब्स हैं जो अभी उनमें और भी एडिशन हो रहा है, बट वहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था रिसर्च के अंदर मैन पावर की कमी सबसे ज्यादा। जी हमारा मेडिकल जो हेल्प है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो कहते हैं ना जो 20% जो बड़े शहर हैं उसी तक सीमित है, सारा जो 70% जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हीं 20% शहरों में ही है। जो ग्रामीण इलाकों में जो फैलाने की बात थी, जो हम हमेशा सुनते आए और टोकन भी कहा जाता है कि टोकनिज्म के हिसाब से भी कहते हैं, वो नहीं सुनाई दिया। नर्सेज वगैरह की बात हुई, नर्सेज सेंटर्स की, वो भी बहुत अहम है, लेकिन वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, उसका फैलाव दायरा बढ़ाना शहरों से निकलकर ग्रामीण परिवेश में, उस लिहाज से क्या आंकलन? जी बिल्कुल, देखिए उस लिहाज से अगर हम बात करें, हमारे पास गवर्नमेंट के पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रूरल एरियाज तक पेनिट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की उस तरह से देखिए तो गवर्नमेंट के पास कमी नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और प्राइवेट सेक्टर के पास अगर हम बात करें तो उनके पास मैन पावर की कमी नहीं है। तो इसी वजह से जो PPP मोड को बढ़ावा दिया गया पिछले 3 सालों के अंदर, कि गवर्नमेंट के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो प्राइवेट सेक्टर उनको मैन पावर, तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उस तरह से काम हो रहा है। गवर्नमेंट के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स भी है, मैन पावर है, मैनेजमेंट नहीं है, तो वो भी आउटसोर्स्ड PPP मोड में चल रहा है। तो इस तरह से जो पेनिट्रेशन है, देखा था जब आपको याद है कोरोना के बाद भी जब परिस्थितियां बनी थी कि एम्बुलेंसेज नहीं है, लोग उसके लिए भाग रहे हैं, उस पर भी हमने काफी दिखाते थे अपने लिहाज से। तो आप जो पीपी की बात कर रहे हैं, ये है तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर कितना पहुंचा है? क्योंकि योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन वो जमीन पर कितनी पहुंच पा रही, ये अहम है। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड लेवल आंकलन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन में पीपीपी मॉडल अभी सबसे सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है, चाहे वो मैं किसी भी सरकार की बात करूं स्पेसिफिकली, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर काफी अपग्रेडेशन हो रहा है, वहां पे लेबोरेटरी सर्विसेज अपग्रेड हो रही है, अगर सीटी स्कैन की सुविधाएं नहीं है तो वो प्राइवेट पार्टनर्स वहां पर सीटी स्कैन लगा रहे हैं, कहीं पर MRI लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये वाला मॉडल अभी काफी ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसके अलावा जैसा अभी एक सीकल सेल एनीमिया की कैंपेन भी, तो ऐसी जो रेयर डिजीज है उनके लिए भी सरकार ने अब काम करना शुरू किया। डॉक्टर समीर, जो बात बार बार पूछी जा रही है 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात, ये दरअसल कोशिश ये सरकार की कि जो 2014 के बाद से कॉलेजेस खुले हैं मेडिकल कॉलेजेस, उनके साथ साथ ही नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाए, ताकि जो बेटर कोऑर्डिनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हो सके, और साथ साथ जो मैन पावर चाहिए, आप जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं उसके लिए आपको वो उतना उपलब्ध हो सके। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या मेडिकल कॉलेजेस जितने खोले गए 2014 के बाद से वो काफी हैं, या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में हमें इससे भी ज्यादा कहीं मेडिकल इंफ्रा की जरूरत होगी?
मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट के पास मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे, इक्विपमेंट्स रहेंगे, पर मैनपावर का चैलेंजेस फिर भी रहेगा उसमें। जब तक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली पहल नहीं होगी, तब तक उनको भी लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में स्पेसिफिकली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, पर फिर भी वहां पे फैकल्टीज का आना वो जरूरी है।